के भाई, आप जरा डिफरेंस बिटवीन द ओवर एंड अबव उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसमें कोई बैड कमेंट नहीं। तो हमने स्टार्ट कर दिया टॉपिक से। तो ओवर एंड अबव में ले पांच डिफरेंस मैंने लिखे। अबव मीन्स हायर देन दैट एंड ओवर मीन्स मोर देन दैट। यानी कि अबव मीन्स उससे हायर और ओवर मीन्स उससे ज्यादा। अबव रिप्रेजेंट समथिंग अ प्लेस हायर देन अनदर। ले रिप्रेजेंट करता है एक प्लेस से जो दूसरे प्लेस से ज्यादा ऊपर है, पर्सन और ऑब्जेक्ट। ओवर रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज डायरेक्टली अपवर्ड अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। वो सीधा ही हमें अपवर्ड्स करता है। अबव इज नॉट यूज विथ नंबर्स, वेयर ओवर इज यूज विथ नंबर्स। हमने कुछ सेंटेंस में देखा है कि अबव यूज होता नहीं है नंबर्स में, बट ओवर जरूर होगा। अब नेक्स्ट फोर्थ, अबव इज यूज व्हेन टू थिंग्स आर नॉट टचिंग विथ ईच अदर, वेयर एज ओवर इज यूज व्हेन टू थिंग्स आर टचिंग ईच अदर। हम देख सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ले है, मैं टच किया हुआ है इसे एक चीज से दो ले ऊपर, जबकि अब मैं कोई लाइट चीज लू लाइक ले, अब ले खुद से ऊपर है नीचे है अब ले, वैसा ही हम इसे खुद से, इसे हम अबाव कहते हैं। लाइक स्काई, स्काई वो अबाव है ऊपर, क्योंकि उसे किसी चीज ने टच किया नहीं है। अब लास्ट एंड फिफ्थ, when the term over is used as an adverb it means the termination। यानी कि इसमें हम जब over adverb के term use करते तब हम इसे termination और finishing के लिए भी हम इसे use कर सकते। the term above is used as an adverb it simply means overhead। हम इसमें द टर्म अबव यूज होता है जब यूज होता है एडवर्ब, उसका सिंपली मीनिंग होता है हमसे ऊपर। थैंक यू।